आपके को कहता हूं, इच्छा रखते हुए पब्लिक कौन पर कर्म बीच में आकर के बाधा डाल देते और कर्मों का फल उनको यहां आने दे देता है। चलते चलते रास्ते में ही रुक जाना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। आदमी उस वक्त पर तो समझो कि गुरु को दोष देता है, गुरु के स्थान पर जा रहे थे, गुरु के नाम पर जा रहे थे, लेकिन अपने कर्मों को नहीं देखता है कि हमारे कर्म कैसे थे और उस समय पर गुरु की बातों को हमने माना नहीं, गुरु के आदेश का पालन किया नहीं। तो ये बात हमें आ जाया करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आकर भी जाना पड़ जाता है, उसमें भी कर्मों का ही चक्कर होता है। कर्मों का विधान जब से बना तब से कर्मों के विधान से कोई बच नहीं पाया, बड़ा जल्दी विधान हो गया। जैसे भारत देश का इस समय का संविधान है, इतना जटिल हो गया है कि न्याय और सुरक्षा अगर कोई चाहे कि हम दे देंगे, दे नहीं सकता है, क्योंकि संविधान का बना था बहुत पहले, जब देश आजाद हुआ था तब बना था, तब से और अब में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। प्रकृति में परिवर्तन हुआ, मनुष्य में परिवर्तन हुआ, हर क्षेत्र में बदलाव हुआ, इसलिए जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक अगर कोई कहे इस नियम कानून के रहते रहते हमको सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, तो बड़ा कठिन है। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि जब दया होती है और लोगों की कृपा होती है तब यह अवसर मिलता है। देखो कल मैंने आपको मनुष्य शरीर के बारे में बताया था कि यह मनुष्य शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है और खाने पीने में इस समय को मत निकालो, सोने में इस समय मत निकालो। ये टाउन जो महात्माओं ने किया है कि रात कमाई छोड़कर दिवस कमाया खाए और मेरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बन ले जाए। ये कौड़ी बन ले नहीं जाते, अनमोल है। मानुष जन्म बड़ा अनमोल है, लेकिन इसकी जानकारी कब मिलती है, कब मिली आपको? सदगुरु मिले तो दिया दे खोए, गुरु महाराज जैसे सदगुरु मिले, संत मिले तो अपने लोगों को उन्होंने समझाया। अपने लोगों को भी गुरु महाराज के आने के पहले नहीं जानकारी थी कि मनुष्य शरीर की कीमत कितनी है, इसके लिए देवता परस्ते क्यों, चौबीस घंटे मांगते तो रहते हैं इसको, इसकी कीमत का पता तब तक नहीं था जब तक गुरु महाराज के पास प्रेमियों हम आप नहीं पहुंचे थे। लेकिन जब पहुंचे इसकी कीमत लगाया और इसमें जो अन्य शब्दों मशीनरी है इसके बारे में जानकारी हुई, इसमें जो जीवात्मा बैठी हुई है उसकी जानकारी हुई, परमात्मा सूर्य के देवताओं की जानकारी हुई, तब आप देखो आप यहाँ पर आए हो और आपको ये बातें बताई जा रही हैं। तो कल बताया गया था कि भाई मनुष्य की रचना इस तरह से हुई है, इसमें अनेक शब्दों के लिए खत चक्र हैं, इसमें 5,000 नारियां हैं, नशे की अंतरिक्ष संख्या में लाखों की संख्या में हैं और इसमें मांस है, हड्डी है, खून है और इसी में तेल दिमाग बुद्धि है, हाथ पैर हाथ कान है, ये सब अन्य समझो इससे चलते हैं। आपको बताया इसे शरीर चलता है, आपको बताया गया था कि जो चीज खाते हैं उसी से रक्त बनता है, खून बनता है और खून पूरे शरीर में रहता है, खून का संचालन होता है, खून खराब हो जाता है तो दीवानियां आ जाती हैं, कुछ भी काम नहीं करती है, रक्त प्रेशर जिसको कहते हैं, रक्तचाप जिसको कहते हैं, जब बढ़ जाता है तो बुद्धि काम नहीं करती। तो इन बातों की जानकारी आपको कराई गई। अब आपको ये आज बताना है कि भाई ये जो अभी शरीर है
साधना हुई है, किसकी साधना हुई है? शरीर की साधना हुई है, देवताओं को पाने की साधना हुई है, जो की देवताओं की शक्ति आई है, उनको लोगों ने भगवान माना है, जिनके अंदर शक्तियां वो आ गई हैं, उनको लोगों ने परमात्मा माना है, तो ये कैसे होता है? इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि संत मत को सब लोग अभी नहीं समझ पाए हो, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो उनको तो थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन शेष लोगों को नहीं है। तो आपके शब्दों पर यदि आपको बताया गया था कि परमात्मा की अंश जीवात्मा जो इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, इस स्थान को आज्ञा चक्र चंडीगढ़ वाक कहा जाता है, वही इस शरीर को चलाती है, इसी के संचालन से ये चलता है, और यह शरीर को जो है एक तरह से पूरा खुशी के द्वारा मिलता है। तो इसका सत्संग क्या है और किस तरह से आत्म साक्षात्कार होता है, किस तरह से अन्य जीवात्मा का दर्शन होता है, तो परमात्मा की अंश है उसका दर्शन कैसे होता है, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, उसकी महिमा गरिमा का पता कैसे चलता है, इसको इसके बारे में थोड़ा सा आज मैं आपको बताऊंगा। देखो आपको बताया था ये नारियां हैं, आपके समझो प्रमुख रूप से दस नारियां, उनमें से भी ये तीन ज्यादा प्रसन्न है, इन्हीं में से अन्य नारियां निकली, इसी की पावर से वो चलती है, लेकिन ये जो नारियां हैं निरा सुषमा ये किससे चलती हैं? ये चलती हैं जीवात्मा से पावर से, जीवात्मा से शक्ति से, और वो ऊपर से अभी दूर हुई है ये नारियां, सबसे अभी नीचे रीढ़ की हड्डी के किनारे से रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी प्रमुख है, शरीर निचले शरीर के निचले हिस्से पर चलानी चाहिए, शरीर की हड्डी प्रमुख है, और ये जिसको हेड कहा गया है, जैसे गाड़ी में हेड होता है, खराब हो जाता है, कोई भी पुर्जा नहीं चलता है, हेड पकड़ना पड़ता है, ऐसे इसको हेड जिसको कहा गया, सिर कहा गया, इसमें अगर दोष आ जाता है, इसमें अगर कमी आ जाती है, तो सारे पुर्जे इसके फिर ये नानिया नख है, ये जो अंग है नीचे के चक्र है, ये सब बंद हो जाते हैं, अगर सामने करता है तो जो इसमें जब प्रमुख है, इसमें पूरा मशीनरी बनी हुई होती है, जैसे पावर हाउस होता है उसमें अली समझो की मशीनें फिट रहती हैं, और उसमें से तार निकलता है जाता है, बहुत ज्यादा लोड निकलता है, इसी तरह से ये मशीनरी है, और इससे ये तार समझ लो कि निकले हुए हैं। तो ये शरीर की हड्डी के किनारे से आते हैं, कहाँ पर? खुदा खुदा स्थान पर, खुदा चक्र है वहाँ पर, आपके समझो उसी को मूलाधार चक्र कहा गया है, ये जो खुदा है अन्य समझो लगभग दो अंगुल डेढ़ अंगुल दो अंगुल करीब ये ऊपर है चक्र है, जहाँ से मल निकलता है, ये चक्र है, उस पर पड़ता है, उस पर वो अन्य रोशनी पड़ती है, किसके जरिए अन्य समझो के नसों के जरिए अन्य ताकत आती है, तो वो मूलाधार चक्र कहलाता है। आगे समझो कि ये इसका विशेष रोल है, इसी से नीचे ये नसें सब निकली हुई है, और ये नसें किससे टिकती हैं? हड्डियों से टिकती हैं, मांस से जुड़ी हुई हैं, और ये ऐसे अंगूठे तक ये आती हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं? ये खुदा स्थान से आ रही है, इसीलिए देखो ये अपना मूल स्थान होने के कारण अन्य स्थान से अन्य काम अपना बंद नहीं करता है, बाकी अन्य समझ लो कि और जहाँ चक्र हैं वो झुक नहीं सकते, ऐसे आप पीछे नहीं झुक सकते हो, एकदम ऐसे नहीं इस तरह से नहीं झुक सकते हो, लेकिन ये ऐसा स्थान है कि क्या बैठ जाओ क्या लो तो ये अपना
जहाँ से है यमुना और सुषमना, सुषमना जो जाती है ऊपर तक, इसका भी संबंध यहीं से है, कहाँ से होता से है। अब आप हम लोग के लोगों ने ये जो दर्शन किया देवताओं का और लोगों ने जो ये अधिक ताकत पाई, ये कैसे पाई, सिद्धि इनको कैसे मिली, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो थोड़ी बहुत की सिद्धि अगर किसी को हो जाती है तो उसी को लोग मान्यता दे देते हैं, उसी को लोग भगवान मानने लगते हैं, देवी देवताओं की ताकत वाला मानने लग जाते हैं। तो इस तरह से इनको अलग अलग महत्व कैसे मिला, कैसे इनकी शक्ति इनके अंदर आई, तो इसको लोगों ने जगाया। किसको जगाया, किसी चक्रों का पहन किया, रोका इन चक्रों को, प्रिंता किया था। तो कैसे होता है, ये नीचे से अभी जो प्राण की उड़ान, प्राण जो है जो मन को त्याग करता है, जिसके अंदर त्याग की भावना होती है, वो कहाँ होता है, ये अभी समझो कि उदा के पास में, उदा चक्र के पास में ही होता है। इसीलिए देखो वहाँ होने के कारण ये मल को त्याग करता है, मूत्र जो नीचे उतरता आता है, मूत्र का जो स्थान है वो समझो थोड़ा ऊंचा है, ऊपर है मूत्र का स्थान। और ये जो अभी समझो ये चक्र है, ये करीब 5-6 अंगुल आप कह लो, 4 अंगुल 5 अंगुल कह लो, नीचे कह लो, नीचे और अंगुल में थोड़ा फर्क होता है, तो इतना इतनी ऊंचाई पर है। तो अब आप समझो प्रश्नों कि यानी लोगों ने शक्तियों को नीचे से प्राणों की जो शक्ति है उसको खींचने की कोशिश किया, इधर की तरफ ध्यान को लगाया, जो उधर जाता है इधर की तरफ, यानी शक्तियों के मन लगा हुआ था, मन को उधर से खींचा, तब जब खींच करके लाए पावर इकट्ठा हुआ तो वो लोग और कैसे करता होता है, जैसे कोई पंखा चल रहा है पैसे और हाथ ऐसे लगा ऐसे एकदम पावर हाथ में जाता होता है, पावर पड़ जाता है, पंखा रुक जाता है, ऐसे जब पावर इकट्ठा होता है तब उसके ऊपर रुक जाए पूरा नीचे का फैला हुआ पावर जब इकट्ठा हुआ तब वो उसके ऊपर रुका। तो वो चक्र कैसा है, कमल जैसा है, चार दल का कमल उसको कहा गया, लाल रंग रहता है। तो जब वो चक्र रुका तो देवताओं का जो ऊपर है, लेकिन इसकी परेशानी बढ़ती रहती है, और परेशानी ही अगर कोई देख लेता है तो वो ये साधारण परेशानी जैसे आदमी की होती है ऐसे नहीं होती है, उसमें परेशानी में भी ताकत होती है, शक्ति होती है, तो वो शक्ति भी आदमी के अंदर आ जाती है। जब चक्र रुका तो देवताओं का दर्शन किया, कौन देवता, गणेश देवता, तो हम लोग मूल मानने लगते हैं, सबसे पहले गणेश की ही लोग पूजा करते हैं, कहते हैं कि सबसे प्रमुख देवता यही। तो गणेश जी का दर्शन किया और वहीं पर देखा कि ये सिद्धि सिद्धि जिसको कहते हैं ये वहाँ पर बैठी हुई, सिद्धि का दर्शन किया तो समझो कि वो ताकत उनके अंदर आ गई। आप समझो कि कोई भी चीज की कमी उनके पास नहीं रह जाती है, जो इनका दर्शन कर लेते हैं भरा भरा होता है, वहाँ जो पहुँच जाते हैं चक्र का वेदन कर लेते हैं और देखते हैं कि देखो ये कुबेर देवता बैठे हुए हैं, उत्तर तरफ जो कमल है का पंखुड़ी है, ये जो पत्ती है उस पर वो बैठे हुए, तो जहाँ कहते हैं कुबेर कहते हैं वहाँ बड़ा बंदा बैठा है। तो शेख लोग देखो जहाँ पर अपनी बैठक बनाते हैं, गद्दी बनाते हैं, गणेश जी का जहाँ फोटो लगाते हैं, श्री गणेश मंदा लिखते हैं वहाँ भी देखते कुबेर जी सदा सहाय करें, कुबेर की सदा सहाय करें, लिखे रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई कमी ना आने पर, कहते हैं कि भाई
पांतवादियों का भोजन बनवाया, सात सो आ गए, बराती बराती सब मिला करके सात साढ़े सात सौ हो गए। लेकिन खा करके चले गए, प्रजा भी पूरा समझो सिद्धि आकर बैठ गई, कुबेर ने खजाना भर दिया। ऐसा कहते हैं तो ये देवता यहाँ भी भाई पड़ जाते हैं पूरा दिशा में समझो आपके इंद्र देवता दिखाई पड़ जाते हैं। इनकी जो देवी है शक्ति का नाम था वो दिखाई पड़ जाती है, इनकी पत्नी सेवा करती रहती है वो दिखाई पड़ जाती है शक्ति। तो इनको जब लोग देख रहे थे तब क्या होता है, मांगे बारे हर रामचंद्र कह रहा है, किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, इंद्र देवता पानी दे देते थे। वो जब देख लेता है और मांगता है, वो देखते हैं जो उनको देखता है तब वो जो चीज चाहता है उसकी पूर्ति वो कर देते हैं। ऐसे ही जो इच्छा तीन मनमानी हर प्रताप कट दुर्लभ गाही, जिस एक इच्छा आदमी करता है वो इच्छा पूरी हो जाती है, यही व्यक्ति सिद्धि आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे आपको पिछले सत्संग में सुनाया गया है कि भरद्वाज ऋषि के पास कुछ नहीं था, झोपड़ी थी आदमी थी, लेकिन भरत राजा ने जब कहा कि चित्रकूट जाते समय राम भगवान से मिलने के लिए जाते समय मैं आपके आश्रम पर रुकूंगा, तो उन्होंने याद किया को किसको ऋषि को सबके लिए एक एक राजमहल तैयार हो गया था। भरत जी के साथ जितनी भी फौज पाता थी, जितने भी लोग थे, सब रुपयों से आपके राजमहल में जैसे सुविधा थी उसी तरह की सुविधा पाकर के रहे। तो आप इसके स्थितियाँ भी जाए कहा जब उनको लोग देख लेते किसको कपड़ों को जब विदन कर देते और उनको देख लेते वहीं पर पानी क्रिंग 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 की आवाज आती रहती है, हमेशा क्रिंग क्रिंग की आवाज आती रहती है और आप ऊपर बढ़ जाता है, ताकत आ जाती है। किस चीज की ताकत आ जाती है, ग्रंथों को लिखने किताबों को लिखने की ये ताकत आ जाती है। अब आप ये समझो कि वो ताकत बढ़ती कैसे, जब आगे बढ़ते हैं तो आगे कौन स्थान है ऊपर की तरफ, यह स्थान है आपके ब्रह्मा जी का, जिसको इंद्रिय चक्र कहा गया, जहाँ से शेषा निकलता है उसी के पास में ये चक्र है, ये होता है आपका शेदन कमलना। शेदन कमल किसको कहते हैं, जिनमें पंखुड़ियाँ होती और कमल का आकार कैसा होता है समझो, कुछ पंखुड़ियाँ उसके नीचे होती हैं, कुछ पंखुड़ियाँ ऊपर होती हैं। तो इन्हें ये जिस पर बैठे हुए हैं उनकी चार पंखुड़ियाँ तो समझो ऐसे ऐसे और जो ऐसे समझो कुछ ऊपर की तरफ, और उनका रंग कैसा है, पीला रंग है उनका, आपसे समझो उनका पीला है। और वहाँ पर कौन कौन बैठा मिलता है, किसका दर्शन होता है, आपके समझो बैठो कि वहाँ पर ब्रह्मा सावित्री गायत्री इन लोगों का दर्शन होता है, सरस्वती का दर्शन होता है, ये चारों उसकी सेवा में बराबर लगी रहती। तो जब वहाँ पहुँच जाता है कहीं जो भी वहाँ पहुँचता है जब, तब उनके अंदर जब सरस्वती का दर्शन कर लेता है तो जो बोलता है जो कहता जाता है वही सटीक होता है। सटीक किसको कहते हैं, बहुत से लोग जो सवाल जवाब करते हैं कविता में बोलते हैं उसका जवाब वो दे देता है, कविता अपने आप करके चले जाते हैं, कहते हैं सरस्वती के पर बैठी हुई है, जो बोलते हैं वही कविता हो जाता है, जो बोलते हैं वही श्लोक हो जाता है, जो बोलते हैं उसी में लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो वो सिद्धि वो दया आ जाती है। अब वही का फोटो बना करके जब लोग यहाँ पर पूजा करने लगते हैं तो थोड़ी ही देर चाहे उनको कोई याद करे तो देखो उनमें भी योग्यता आ जाती है, लेकिन ज़्यादा योग्यता ज़्यादा जानकारी उनको होती है जो इनको देखते हैं दर्शन करते हैं।
अब आपके संजो प्रेमियों की वहां पर आप समझो कि बेगरबही हमेशा होती रहती है, वेद का जानकार हो जाता है, वेद की रिदाएं का अर्थ वो समझने लगता है और वो लोगों को समझाने लग जाता है। नियम कानून जो बनाया मनुष्यों के रहने के लिए धरती पर, उसकी सारी जानकारी वेद की जानकारी होने के कारण उसको हो जाती है और वो लोगों को उपदेश करता है। जो वो उपदेश करता है उसका पालन जब लोग करते हैं तो वो सुख का अनुभव करते हैं। इस सत्य लोग अपने को ज्यादा विस्तार भी नहीं बताया जा सकता है, कम है, मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। फिर आगे बढ़े, जब आगे बढ़े वहां बैठ होते काम पर अंजाम हनुमान जी बैठे बैठे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी ये चक्र है, यहाँ यानी आप समझो कि यानी और दल का कमल है, वो पंक्तियाँ जो हैं आश्रम की हैं, ये नीला है। आप समझो एकदम एकदम नीला भी नहीं कह सकते, जैसे गुलाब गुलाबी होता है तो उसकी जहाँ से ये निकलता है पत्ती यहाँ से निकलती है तो वो एकदम से गुलाबी रहती है, वो हल्की होती है। ऐसे वो तो एक बहुत ही गई है, वहाँ का सुंदरता वहाँ की जो है वो जब आंखों के ऊपर जाओगे तब देखो परछाई से ये एकदम से क्लियर भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जैसे एक होती है हल्की रोशनी की परछाई, एक होती है तेज रोशनी की परछाई, जैसे आप देखो एक चंद्रमा की रोशनी की परछाई होती है और एक चंद्रमा के पर्दे पर परछाई देखते हैं ये लोग, परछाई उसमें भी होती है, उसमें मुँह जो दिखाई पड़ता है मुँह मिलाते हैं तो वो भी दिखाई पड़ता है, हाथ पैर हिलाते हैं बोलते हैं दांत दिखाई पड़ता है तो वो परछाई अलग होती है। लेकिन हर तो परछाई हर तो परछाई ऐसे हर कोई परछाई, लेकिन बहुत क्लियर हो जाता है, बहुत कुछ साफ हो जाता है। तो देखा लो कि नीले रंग के कमल पर विष्णु और लक्ष्मी भी लिखे हुए, ये पालन करता है। यहाँ पर आवाज आती रहती है, इनके लोगों को जब आप देखोगे साधना ये जो आपको बताई जाती है करने की आंखों के ऊपर की जो गुरु महाराज ने बताया, आप घर जब आप जाओगे तो इनके लोग में पहुंच जाओ तो वहां पर बराबर आवाज आपको सुनाई पड़ती रहेगी। वो आवाज जो होगी एकदम से क्लियर होगी, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ अब आप लोग यहाँ पे जो लोग बैठे हो नजदीक में साफ सुनाई पड़ता है, लेकिन जो काफी गुण है उनको कम सुनाई पड़ता होगा, लेकिन सुनाई पड़ता होगा कि बोल रहे हैं इन बातों को कह रहे हैं उसको ज्यादा गौर करना पड़ता होगा। ऐसे ही आपको समझो कि ये सिस्टम किस तरह का है। तो देखा लोगों ने कि अन्य समझो विष्णु जी और लक्ष्मी जी ऐसी हुई हैं, ये पालन करता है आपसे संधार करता होते हैं, ऐसे ये पालन करता है। इनको लोगों ने देखा वो जो यहाँ पहुंच जाते हैं उनके अंदर संभाव आ जाता है। संभाव को उसको कहते हैं सिया राम सब जग जानी करम राम जोर जुग पानी, जो सब को अंदर में परमात्मा के अंश जीवात्मा को देख लेता है वो उसको सबसे प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ऐसे ही स्थान पर जो पहुंच जाते हैं संभाव हो जाता है, कोई भारी बात नहीं, कोई भतीजा बात नहीं, कोई कौम बात नहीं, कोई देश बात नहीं, कोई एरिया बात नहीं, कोई भाषा बात नहीं, कोई बात नहीं रह जाता। सब के लिए जो काम करते हैं सब के लिए काम करते हैं, क्यों? क्योंकि पालन के स्थान तक पहुँच जाते हैं। जिस तरह से माँ सभी बच्चों को, जिस तरह से दादी माँ पूरे परिवार का ध्यान रखती है, एक एक के बारे में पूछती है किसने खाया नहीं खाया, जगह जगह करके खिलाती है, अगर ऐसे ही बच्चा सो गया जमीन पर सो गया तो बिस्तर लगा करके उसको खिला
कि ऐसे ही जब वहां पर ये योगी पहुंचते हैं तो उनके अंदर संभाव आ जाता है, फिर आगे बढ़े तो आप काम चक्र पर जहां पर बारह दल कमल है जहां का रंग एक मिला है लेकिन यहाँ का रंग बदलता रहता है। देखो जैसे ऐसे कोई कपड़ा पहने तो उसको देखोगे तो पहला कहोगे तो पीला, लेकिन अगर वो कपड़ा हिला तो दूसरा रंग बदल जाता है। ऐसे जब रोशनी पड़ती है तो वो रंग बदल जाता है। इंग्लिश में जिसको पढ़े लिखे जो लोग जिसको चटनी कलर कहते हैं वो चटनी कलर हो जाता है, वो रंग बदलता रहता है। ऐसे ही है, ऐसे कोई कपड़ा जो पहने रहता है नीला पीला जो भी पहनता है लेकिन जलता है अगर कपड़ा या रोशनी बदलती है रोशनी का रूप बदलता है तब उसका रंग हल्का सा बदल जाता है। तो आपके समझो शिव का स्थान है पार्वती और शिव वहीं पर रहते हैं। ये क्या है? ये अहंकार के पिता है, अहंकार के भंडार है, ये दाता भी है और हर्षा भी। ये ज्ञान संयोग रखने के लिए शरीर को जलाने में ये मदद भी करते हैं और ये जब चाहते हैं समय भी ले लेते हैं दो मिनट में ये शरीर को आयु बढ़ा देते हैं। इन्हीं के ऊपर नहीं समझो कि नीचे से ऊपर नीचे का मतलब यह समझो कि ऊपर से कहीं ज्यादा अच्छा इनका है किसका कहीं पावर किसका है इनका जो ऊपर से आयु जीवन माएँ नीचे से पर हार बन करके देखती हैं टकराती हैं जहाँ से वापस होकर के मृत लोग में आती हैं। इसलिए पत्थर निकलती है ऐसे वो लोगों ने कहा गंगा की घाट है। गंगा किसको कहते हैं? जिसमें कहते हैं स्नान कर लेने से मुक्ति और मोक्ष हो जाता है। जब उस धार को धार में चले जाते हैं धार में तो नहाने जाते हैं धार किसको कहते हैं? पानी के बहाव को धार कहते हैं। तो गंगा में पानी बहता रहता है, गंगा का पानी मुक्त नहीं होता बहता ही रहता है। जहाँ से गंगा उतरती है गंगोत्री से उतरती है तब से लगातार ऐसे पहाड़ों से उतरने के बाद फिर इधर आपके हरिद्वार हरिद्वार से फिर आपके बहते बहते संगम में फिर उसके बाद तय करके गंगा सागर में पहुँच जाती है तो बराबर बहती रहती है। तो उस धार में कहते हैं नहा लेने से समझो मुक्ति और मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। इसी तरह से धार पकड़ लेने पर वही धार भी खींच ले जाती है समझो। जैसे कहते हैं इससे कर्म धुल जाएंगे, कर्म तो नहीं धुलते मैं जरूर धुल जाती है बराबर धार अगर पड़ती रहे हाथ न भी लगाओ तो हल्की फुल्की गंदगी तो साफ हो ही जाती है। ऐसे ही समझो कि धार जब पकड़ में आ जाता है तो लोग गिरती हैं धारण तुरंत की तो समझो कि यानी ऊपर चली जाती हैं। तो ये जो उधर के हैं ये ज्यादा बाधा डालते हैं। जैसे देखो कहीं कहीं शपिंग कई जगह पर होती है तो पहले शपिंग ज्यादा होती है। पहले देखो जो हवाई जहाज के जाते हो आप देखते हो कि कहाँ शपिंग होती है गेट पर आप ताकाले पत्र सामान पर नजर डालते हैं फिर आपका सामान मशीन में पड़ता है वहाँ चेकिंग होती है फिर उसके बाद जाते हो तो आपका हाथ में जो कोई सामान रहता है उसको चेकिंग उसकी चेकिंग करते हैं फिर आपके शरीर का चेकिंग करते हैं उसको जगह तो नहीं जा रहे हैं इनके पास है तो नहीं जगह जगह जाते रहे हैं। हवाई जहाज पर बैठने से पहले भी कभी कभी चेकिंग करते हैं देखते हैं कोई इधर उधर से छुपा कर ऐसे ही सब चेकिंग करते रहे। कौन ये जो कैंसर को जो गांधर को संबोधन इन्होंने बना दिया तो बात इनके द्वार डरो कहना सांता को बैठ के करता आवत देखें निर्दय बयारी सुर कहें जैन कपाल बुलाए। इन इंद्रियों के आधार पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये देवता बैठे हुए यह परसों परछाई है शरीर के लिए
परेशानी ही काफी है, वही काफी ताकत है जो बैठे हुए हैं। ये तो समझने ही तक नहीं देते हैं, नीचे के ऊपर आने ही नहीं देते हैं, रोक लगाते हैं। इसीलिए देखो बहुत से लोग उनका चक्र ही रूप है, गणेश जी को ही वो बड़ा मानने लगे, बोले यही सब कुछ है। आगे बढ़े तो समझो कि विष्णु को मान लिया, विष्णु ही सब कुछ है और कोई नहीं है, विष्णु को मान लिया यही सब कुछ है। इनकी मान लो भी आगे बताऊंगा, उन्हीं को मान लिया, माता ही सब कुछ है, आज्ञा ही सब कुछ है, महामाया ही सब कुछ है, जो जहाँ तक पहुँचे और जिनके अंदर जो शक्ति रही को सब कुछ मान के आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि बराबर ये रोक लगाते रहे और समय किसी भी जीवन का निकल गया लोगों का। 10,000 वर्ष की उम्र होती थी, 10,000 वर्ष की उम्र, 9,000 वर्ष की उम्र मनुष्य की हुई और निकल खत्म हो गई। तो अब आप ये समझो कि और आगे नहीं बढ़ाए। तो मैं आपको बता रहा था कि जो लोग है, जो लोग के ऊपर यहाँ चक्र है, यहाँ पर 16 दल कमल है, यहाँ पर कौन करता है? तीन चीजों की माँ आज्ञा महाशक्ति जिसको कहा गया। कल आपको बताया था कि आज्ञा महाशक्ति के द्वारा ही जिसको ईश्वर कहा गया, जिनको खुदा लोगों ने कहा, संतों ने कहा, भगवान कहा, अचला नाम जिनका निर्णय भगवान है, उन्होंने आज्ञा के ही संपर्क से 3 बच्चों को पैदा किया था। देखो ये स्त्री पुरुष का भेद अभी समझो, कहाँ से चला वहाँ से हाथ के मान सरोवर के बाद ही नहीं चल गया, सुन से उतरने के बाद घर हाथ पर चल गया। हाथ से समझो ये सिस्टम इस तरह का बनाया कि देखो पशुओं में भी नर और मादा होते हैं और इनमें किसमें चूहे हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, इनमें अन्य नर मादा होते हैं। ये जो कीड़े हैं आपके अन्य जमीन में रहते हैं, इनमें भी नर और मादा होते हैं। आपके देखो जो इधर के भी वो हैं उनमें सब में नर और मादा होते हैं। अब ये जरूर है कि ऊपरी लोगों में भी इस तरह का सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर जो आहार है वहाँ पर उस आहार से ही वो बच्चे पैदा कर देते हैं ऊपरी लोगों में। जो लोगों में जैसे जहाँ पर दृष्टि डाल करके दृष्टि से ही बच्चे जहाँ पैदा होने का है, दृष्टि डाल करके ही बच्चा पैदा कर लेते हैं, दृष्टि वो वही हो जाता है वहाँ वहाँ इसी तरह से कुछ कुछ चलता है बराबर। वहाँ पर उत्पत्ति होती रहती है, जगह की कमी है नहीं कि जैसे जयपुर में बहुत लोग बढ़ने लग जाए तो जगह की कीमत आठ गुनी हो जाती है, तब तो है। जैसे राजस्थान का बहुत से एरिया है जहाँ जमीनें पड़ी हैं कोई देखने सुनने वाला नहीं। आज से 30-35 साल पहले जैसल में गया तो एक प्रसंग भी था, मैंने पूछा क्या काम करते हो, बोला मजबूरी। तो हमने कहा खेती, बोले कि पूछा खेती नहीं, बोले खेती है कितना है, 150 बीघा। डेढ़ 150 बीघा खेती है, अब तो मजबूरी करते हो। तब दूसरे आदमी ने कहा, पहली बार गया था, दूसरे आदमी ने कहा यहाँ कुछ होते नहीं, फसल ही नहीं होती, जमीन तो पड़ी हुई, पानी थोड़ा बरसता था। अब देखो जब से ये 50 प्रेमियों का शुरू हुआ जगह जगह पानी बरसने लगे। अभी कल हमारे तमिलनाडु के लोग आए थे डिंडीगुल से, डिंडीगुल में बारिश हो रही थी, पूछा तो बोले कि 5 आदमी आने वाले थे, बारिश में फंस गए, नहीं जा पाए, उनके रेल छूट गए, समझा बेचारे नहीं जा पाए। हमने कहा बारिश बारिश बोले तो बारिश हो गई। तो ये तो नियत से ही बरकत होती है, नियत जो इस प्रकार की है बरकत होने लगती है। तो मैं आपको बता रहा था ऊपरी लोगों में जगह की कमी नहीं होती, तो जो जो इच्छा की ही मनमानी जहाँ जिस भी इच्छा करो वो भी जारी हो जाए, तो जमीन जगह की कमी नहीं। तो आज्ञा महाशक्ति के संपर्क से उन्होंने 3 बच्चों को पैदा किया था। उनकी छाया यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर जिस तरह से ये शक्ति, जिस तरह से ये ऋषि सिद्धि, जिस तरह से ये गायत्री सावित्री, जिस तरह से लक्ष्मी, इन ऋषि के देवताओं के यानी सेवा करते रहते हैं, जिधर की सेवा करते रहते हैं, इसी तरह से ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनके
हरिपुत्र है, ये बराबर उनसे सेवा में लगे हैं। और ये जो अन्य चंद्रों उन्होंने उत्पत्ति कराई, वो इसलिए उत्पत्ति से ये चलते हैं और उनके हाथ में है देवी देवता है, जितने भी हैं इसके हाथ में है, आत्मा मान शक्ति के हाथ में है, पावरफुल है। लेकिन जैसे राजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या कलेक्टर के पास पावर होता है, काम अपने कर्मचारियों से कराते हैं, अपने नेताओं से मंत्रियों से कराते हैं, इसी तरह से ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के प्रमुख देवता हैं, इनसे इन देवताओं का ये संभाल कर पाते हैं, इन देवताओं को आगे निर्देश दिलाते हैं, उनके पास पहुँचने में, इन लोगों में पहुँचने में, जिनों लोगों के देवताओं को देकर वहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, ध्यान लगा करके कहाँ तक, जहाँ अनिका स्थान है, किसका स्थान है, आपका महाशक्ति महामाया किसी ने कहा, किसी ने आपका महाशक्ति कहा, महामाया का स्थान तो ऊपर है, लेकिन आपका महाशक्ति में भी माया का पूरा अंश है, इसलिए समझो कि वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत उन लोगों को नहीं होती है, उसके आगे होती है, उधर आगे नहीं जा सकते हैं। ये समझो ब्रह्मा विष्णु महेश भी पिता का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो तो मां तक ही पहुँच होती है। तो ये बराबर उनकी सेवा में ले रहते हैं। ये जो आपके नीचे के ये जो हैं देवता, तो यहाँ काम करते हैं, जैसे सूर्य देवता, वरुण देवता, बृहस्पति देवता, मंगल देवता, ये सब देवता, इन जो इनका जो वार बनाया कृष्ण मुनियों ने, महात्माओं ने, जैसे आप घर है नमक मत खाओ, नमक का तत्व ज्यादा हो जाता है तो रोग हो जाता है, आज के दिन लोग एक समय भोजन खाते हैं, जैसे ये ज्ञान आता है, जैसे अपने त्यौहार आते हैं, इनका एक अलग अलग महत्व होता है, इन देवताओं के नाम से ये दिन रख दिए गए हैं, इस दिन देखो गुरु की गुरुवार को दया होती है, बृहस्पति देवताओं के समझो की गुरुदेव दर्शन समझो, वो अन्य है उनका दिन होता है, आप समझो इंद्र देवता की पूजा होती है, कब होती है, ये अक्षय तृतीया जो होती है, बरसात का महीना जब आने को होता है, तो इनके अपने देवताओं के राजा होते हैं, इनका स्थान निश्चित होता है, जब इनका समय पूरा हो जाता है तो दूसरे आ जाते हैं, दूसरे न आ जाए ये सब लोग ये आने नहीं देते हैं, अपने स्थान तक बाधा डालते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब कहाँ तक कम समय में आपको बताया जाए, तो उनके बाद आपके समझो कि आज्ञा महाशक्ति अन्य समझो कि इधर से ये पूरी मानते हैं, पूरा पावर इधर का इनके हाथ में है, जैसे सीएम होते हैं, सीएम होते हैं, आपसे समझो से कोई चलाने वाले सीएम, सीएम सीएम और सीएम ये होते हैं देश के चलाने वाले, जबकि इनके असिस्टेंट होते हैं, अन्य समझो असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी सीएम और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये जो होते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ये जो अतिरिक्त अन्य सब लोग अतिरिक्त जिला अधिकारी जिनको लिखते हैं, वो होते हैं जैसे इधर होते हैं, ऐसे इनको मान लो किसको अन्य आज्ञा को आज्ञा घर की सृष्टि को ये चलाती रहती है। अब इनका पावर इनका स्थान इनका दर्शन कहाँ होता है, जहाँ जब लोग पहुँच जाते हैं, साधन करने वाले इंद्रियों का दमन करने वाले, भेदन चक्र का भेदन करने वाले, इंद्र जहाँ कंठ चक्र पर पहुँच जाते हैं, सोलाकर कमल पर जो बैठी हुई हैं आपके समझो, उनका दर्शन जब लोग करते हैं तब उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है, बहुत शक्ति उनके अंदर आ जाती है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं काम पहुँचते हैं, आप या चक्र जिसको कहा आप या चक्र पर कृष्ण पर साइन पड़ती है, तो इन सब के सृजनहार हैं, जो दुर्वासनाओं को मांग करके लाए, सत्पुरुष से तपस्या करके मेहनत करके जो लाए, उसके अधिष्ठाता हैं, जो दुर्वासनाओं के जीवों के उनकी पर साइन पड़ती रहती है, उनका दर्शन होता है, तो उनका जो स्वरूप है बहुत ही शिव स्वरूप है, वो है जो श्याम रंग के, श्याम रंग किसको कहते हैं, सांवले रंग के, एकदम सुंदर बहुत है,
किसी किसी का रंग काला होता है लेकिन सुंदर सुडोल शरीर होता है, तो कहते हैं फेस कटिंग बड़ी अच्छी है, बॉडी कटिंग बड़ी अच्छी है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, वो काले होते हुए भी सामने होते हुए भी अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर देते हैं, तो हैं तो ये सामने लेकिन सुंदर बहुत है, इसलिए लोगों ने इनको सुंदर कहा है, ज्योति नारायण इनको कहा है, क्योंकि ये जिस पर बैठे हुए हैं हर गल समय इसको कहा गया हजारों पंखुड़िया अनि जिनमें हैं आपके समझो अलग अलग रंगों की हैं, सफेद अलग रंग का मतलब जो रंग सफेद और अनि सफेद रंग से और काले रंग का मतलब तरह से है वो है अनिल बहुत काला भी डाल नहीं है तो उस पर उससे अनिल समझो रोशनी सीधा ले अपने देखे कहते रहते हैं, तो प्रकाश के लिए पुंज कहे जाते हैं और वो जो रोशनी आती है वो रोशनी अनिल समझो शरीर को चढ़ाती है और उस रोशनी में कृष्णा है वही जो सत्पुरुष ने अनिल समझो इनमें दिया है, ये भी जो ठीक है उनकी से ये जुड़े हुए हैं लेकिन दर्शन उनका नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं आपको बताया गया था कि ये श्रापित है, उन्होंने कहा था कि जाओ देता तो हूँ मैं बना तो लू तुम इस तरह का रचना तो तुम कर लो लेकिन अब तुम मेरे पास आ नहीं सकते हो तो दर्शन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बराबर जो अधिका काम नहीं था उसमें लगे रहते हैं, इसका जिला काम जैसे हमारा आपका जिला काम है कि बराबर उस प्रभु को याद करते हैं, कभी भी नहीं बोले काम कुछ भी करें लेकिन बराबर उनको याद करते रहें, इसी तरह से सुमिरन उनका करते रहें कि जैसे का सुमिरन की सुधियों करें जो गाकर पंहार हाले दूले सुरत में कहें कभी दिखा, जैसे पानी भरने के लिए अब भी देखो गांव में औरतें जाती हैं धारा ले करके खड़े में पानी भर करके रख करके फिर पास आती हैं बात भी करके रहती हैं, ऊपर धावर रास्ते से खराब रास्ते से आती भी हैं लेकिन उनका सिर पर से धारा नीचे नहीं बैठता है, आगे सब लोग बराबर उसका ध्यान वो रखती हैं किसका पानी का कि पानी ले न जाए, ये एक उदाहरण दिया गया, आपके समझो प्रेम का उदाहरण दिया गया, सुमिरन याद करने का उदाहरण दिया गया, कैसे स्वामी प्रेमियों करें जैसे चंद्र चकोर चोट झुकी कर लगी चितवन वाही मोर देखो उसी को बराबर देखता रहता है, इसको चंद्रमा कौन चकोर चंद्रमा जब सुबह निकलता है फिर चकोर उसको देखने लगता है, क्यों प्रेम रहता है मन वही लगा रहता है, शरीर का भान तो रहता है कि शरीर है गर्मी में झुकती है हल्का सा दर्द होता है ऊपर नीचे करोगे अनुभव तो होगा लेकिन ध्यान उधर से हटाता नहीं है, आप समझो आंधी आ जाए तूफान आ जाए कुछ हो जाए संभालने की कोशिश करता है अपने को लेकिन ध्यान बराबर उधर लगाए रहता है, और समझो जैसे जैसे चंद्रमा ऐसे झुकता चला जाता है पश्चिम दिशा में जाता है या ढलने लगता है तब तक वो बराबर रहता है, सोच झुकी गर्दन नहीं सोच झुक जाती है जमीन में लग जाता है कहीं सोच नीचे लग जाता है गर्दन एकदम झुक जाती है लेकिन देखना बंद नहीं करता है, ऐसे ही दिशाना प्रेमियों का होना चाहिए बराबर याद करने के लिए, तो याद नहीं आता है याद भी आएगा तो थोड़ी देर के लिए अभी जब तक सुन रहे हो याद है उससे बात हो जाए, लेकिन अच्छी बात को कभी भूलते हैं जरूरी बात को कभी नहीं भूलते, अभी याद है कि समझो कि यहाँ से जाने के बाद और काम करना है लेकिन उसको नहीं बोलोगे खाने को नाश्ता करने को उसको नहीं बोलोगे, तो जरूरी चीज जो है नहाना धोना इसको नहीं भूलते हो तो प्रभु को तो बोल जाते हो
क्या ऐसा नहीं कर पाते? आप दर्शन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? अभी के सत्संग में, शाम के सत्संग में, कल सुबह के सत्संग में आपको सच्ची जैसा समझ मिलेगा। दोनों टाइम का सुनोगे, शाम का सुबह का, आपको पता चल जाएगा कैसे दर्शन होगा, होता कैसे है दर्शन, बाधाएं भी आती हैं उसमें किस तरह से होशियार रहना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उपाय तो आज भी बता दूंगा, उससे मिलने का उपाय तो आज भी बता दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी मदद की जरूरत रहती है। कोई भी मदद कर देता है, पूरी जानकारी जब हो जाती है तब सहायता मिल जाती है और दर्शन हो जाता है। तो बराबर वो याद करते रहते हैं, उनका प्रकाश उनकी रोशनी कहाँ पड़ती है और उसी से यह सृष्टि चलती है। वे समझो जितनी भी चीजें बनाई गई, आपको कल बताया था, हवा पानी आकाश ये सब अंगी समझो ताकत से बना हुआ है और एक दूसरे से ये बनते चले गए हैं, एक दूसरे में पढ़ने के समय पर ऐसे बन जाते हैं। कल शाम के सत्संग में आपको बताया गया था, जो लोग आप नहीं सुन पाए हो यूट्यूब पर ये कहेंगी डाल देते हैं पड़ा होगा, जय बुझो जिनके यम को आप सच कर लेना उस पर आपको मालूम हो जाएगा, सुनाई पड़ जाएगा। तो आपसे समझो आपको बताया गया था कि ये सृष्टि कितनी भी बड़ी है, इधर वो का प्रकाश है, अनिष्टम लोग दिखाई पड़ती है, दिल के प्रकाश से बना था तो ये सबका दिखाई पड़ता है कि किसमें कितनी रोशनी आ रही है और किसमें कितना अनिअंश है क्या है, ये सब कैसे पता चलता है। जब आदमी साधन अंधेरे से उजाले में आता है, देखो यहाँ पर आप बिजली बुर्की देख सकते हो, कहाँ कैंप लगा है, कहाँ पर पानी का इंतजाम है, कहाँ सुबह खाने का इंतजाम है, तो दिन में देख सकते हो, रात को नहीं देख पाते अंधेरे में, सब पूछो तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा, यहाँ तो उजाला है, उजाले में भी अंधेरा, देखो उजाला है नाम बंद करो तो रहेगा अंधेरा रहेगा, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन जहाँ अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ सूरज होता ही जहाँ प्रकाश ही प्रकाश, शाही की नगरी परम साफ परम सुंदर है, जहाँ पर अभी समझो बिना भूमि एक महल बना है, तांगे दो क्या पानी में अंधा देख देख तुम पावे बात बताओ सारी देख, ये आँख बंद कर लेकिन ऊपर चले जाओ तो ज्यादा दिखाई पड़ेगा, और आँख बंद करने पर ही ज्यादा दिखाई पड़ता है। अंधकार मन बंद करना पहले अंदर का पंथक खुले, जब बाहर का पंथ है, अब आप देखे खुले आँख का ये सब जितने भी सूरा हैं इस मानव मंदिर में, इस मानव मंदिर के दरवाजा तो ये बंद करने पर उजाला उनका जो प्रकट होता है, एक बार उजाला प्रकट हो गया तो बंद करो सब बंद करो ध्यान हटाना पड़ता है। बस एकदम जो दर्पण चंदे किसको कहते हैं, अन्य एकदम दृष्टि को टिकाना पड़ता है, वो भी रोशनी मिल जाती है, तो उस उजाले में जब जाता है, तब उजाले तक पहुँचते पहुँचते ये जो कर्म होते हैं अच्छे और बुरे ये सब खत्म हो जाते हैं। अब ये कर्म क्या होते हैं देखो, जब सृष्टि की रचना हुई तो संसार चतुर्थ था, प्रकृति में बिल्कुल ये जीवात्माएं एकदम सुख शुद्ध और साफ, कोई कर्म इसमें नहीं था। और जब अनि याद करते तो प्रभु को बराबर याद नहीं करते रहे, कहानी पहली प्यार की तरह से देखा नहीं, उस समय पर प्रकृति जो है कि देवी देवता जो है ये सब मदद करते, समय पर चारा समय पर गर्मी उस पर बरसा होती थी, खेत को वो करके किसान चला आता था, जब जरूरत पड़ती थी तो खुश होकर ये मेघ रात पानी दे दिया करते थे, खेत खेत को पानी देते थे, जब जरूरत पड़ती थी तब पानी दे जाते थे। अब कहोगे कैसे होता, अब भी हो जाता ऐसे बादल आता है तो ऐसा नहीं और उधर ऐसे बरसता और उधर बड़ा है, बर्फ से जब निकल जाता है तब फिर उधर चला जाता है, ऐसे रक्ष में देखा कि फिर जाते फिर इधर सूखा हम उधर बारिश, तो अब आप जरूरत इसी तरह से जब रहती तो उसके लिए
जब अपना प्रार्थना करके और फल स्तर के चले जाते हैं। तो कलयुग में क्या हुआ कि ध्यान लगा करके और समय चुका हुआ ये लाख वर्ष उम्र जो पूरी होती थी, जब वो पूरी होती थी तो फिर अपने देश अपने मालिक के पास पहुँचाते, क्योंकि बराबर ध्यान लगाते रहते थे तो कोई रुकावट नहीं मिल जाती थी, न किसी से रास्ता पूछना पड़ता था, बराबर आना जाना जिस जगह का रहता है वहाँ आदमी को हर चीज की जानकारी हो जाती है कि यहाँ का क्या है, यहाँ कौन है, अपने आप हो जाती है, अपने आप पैर पड़ जाता है, टिकट कैसे निकालना, ऐसे बराबर आना जाना जहाँ होता है वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है बराबर प्रार्थना करते रहो, बराबर करते रहो, अंत में कोई दिक्कत ना हो और आराम से खुशमना बोल करके अपने प्रण बोल निकाल करके ये करके आप मिलेगा विशेष जो कहते तो आपके जो उस समय पर चले जाते उन्होंने कहा तब खाली हो जाए, तब तो चले जाएंगे तो हमारा राज खत्म हो जाए, हम राजा के पास पर रह जाएंगे, कैसे अनुसंधियों की हमारा महत्व रह जाएगा। तब बोले कि आप एकांत बने रहेंगे, एकांत बनने का कर्मों का यह विचार किया हो, लेकिन कर्म से विधान बनाने में सक्षम नहीं। जैसे शुरू में जो मसाला उनको मिला था तो सत्संगों पिछले सत्संगों में सुनाया गया है, लेकिन कुछ नए लोग बता देता हूँ। जब वो मसाला सृष्टि से रचना करने का कीड़ा कोड़ा सांप कोड़े पिछु है पैर पौधे ये तो बन गया है, आपके समझो आदमी के शरीर के लिए जो बनाने की ये जो शक्ति है मसाला ये सब तो उन्होंने तैयार कर दिया, गर्म मस्त बनाने के ये जो शक्तियाँ पर आपको बताया था शाम के सत्संग में जो बच्चे को माँ के पेट में तैयार करती हैं ये इसको जो उन्होंने तैयार कर दिया, ये जब प्रक्रिया विवाह होगा था इन्होंने तो इसको तैयार कर दिया, ये इन्होंने समझो कि अभी मन आपके समझो कि जो है उसको उन्होंने एक तरह से उसके साथ धारण कर, लेकिन आपके समझो जैसे पावर हाउस तैयार कर दिया जाए और उसमें करंट न दौड़ाया जाए, जैसे आप समझो ट्रांसफार्मर रख दिया गया और करंट उसमें न दौड़ाया जाए तो काम चलेगा, मोटर चलेगा नहीं चलेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि वो पावर नहीं है हमारे पास कि हम इनको पावर में लाना, वो शक्ति नहीं है, तो कुछ आप अपनी आत्माओं को और हमको दीजिए जो हम इनमें प्रवेश करें और उस हिसाब से प्रवेश करें कि जिनसे हमको काम लेना है उस हिसाब से प्रवेश करें। तो भाई अब उसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया, उसके लिए उन्होंने संघर्ष पर क्या किया, तब उनको इस तरह की बात मानना चाहिए कि संजोग सृष्टि को ठीक ढंग से चला गए, सृष्टि को ढंग इन्होंने बनाया और उसी के लोक जैसा अपने लोक में भी लोक बना दिया कि जहाँ बहुत से साधक जा करके सब लोग समझ करके यहाँ पे समझो वहीं पर चुप होते आगे चलने का प्रयास ही उन्होंने छोड़ दिया। वो तो जब समरपुर में जाते हैं मुझे फंसा हुआ देखते हैं, इशारा करते हैं, ताली बजा देते, चुटकी बजा देते, दमन दिखा देते, उसको हो जाता है कि अरे हमको तो समस्त गुरु के साथ चलना चाहिए, गुरु महाराज हमको सत्संग सुनाते रहे अभी समझो कि यानी गुरु का बांध पकड़ो तो क्या सभी लोग नहीं देव राह बता तो ना बता देगा आपको समझो कि ये करना चाहिए। और मैं तो उन्हीं को सत्य मान करके सत्यो मान करके सुने तो वही रह जाते, कभी कभी सत्पुरुष का भी जब देख लेता है और कोई उपाय नहीं चलेगा, कल भल सर्व सब कुछ कर लिया, अंतर मार बुझावे दीपा जो हमारी अनिल देवी थी उसने भी अंतर मार करके बुझाने की कोशिश किया दीपक को जो इनके अंदर चल रहा था, लेकिन वो उसने दिए नहीं उसे जहाँ तक आ गए तो सत्पुरुष का रूप धारण कर दिया जाता है। स्वामी को बता रहे हैं ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए और गुरु जवाब आएंगे, गुरु को कभी भी याद करोगे शरीर छोड़ करके चले गए
ये जब वो हवाई जहाज से उड़ता है, इसका संचालन कहाँ से होता है, हवाई अड्डे से होता है और वहीं से लेते लेता रहता, वहीं से हवाई जहाज को संभालता रहता है, तो उस व्यक्ति का अधिकारी होता है। ऐसे ही बराबर उनसे संभाल करते रहते हैं, बराबर देते देते रहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जो पायलट होते हैं दोनों सो गए तो अलार्म बजने लगता है, उसी आध्यात्म विद्या से जहाँ के वैज्ञानिकों चाहे देश के हों चाहे देश के हों तरक्की किए हैं। आपके को वो भी जो विज्ञान था कि हनुमान जी ऊपर करके चले गए थे, कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर पेशन की उनकी पूर्ति लेने के लिए नहीं गए थे। ये तो कह रहे हैं कि हम उड़ने लग गए आसमान में, तरक्की कर गए, हम धर्म को नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानते हैं, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक मिनट ढीला हो जाए, इंजन फेल हो जाए, तो मुंह से बच देता है हवाई जहाज। तो आवाज से वो विज्ञान दृष्टि पर था, ये विज्ञान दृष्टि पर है, उसको शुद्धि की जरूरत है। तो इसकी छाया पड़ती है, कहाँ पड़ती है, यहाँ वन पास अनि आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, जहाँ अनि छाया पड़ती है उनका दर्शन यहाँ पर होता है, प्रकाश एकदम चलता है। और कर्मों की बात आपको बता रहा था, कर्म उसके करते हैं, कर्मों का विधान कैसे बनू, ये बात अधूरी रह गई। तब उन्होंने प्रार्थना किया फिर से अपने अनि ब्रह्म स्थान के मालिक से, जहाँ से अनि समझो उनको भी कार्य माना गया है। आपके समझो कि जैसे नेपाल देश है, नेपाल में चले जाओ, नेपाल से यहाँ चले आओ, एक तरह से बोली वाणी की कुछ दूर तक नीचे मिलती जुलती है, सूरज डूबने लगता है तो समझो कि तो भी डूब जाता है, वो भी थोड़ी देर तक रोशनी रहती है, ऐसे मार्गन का एरिया होता है। तो आपके समझो कि वहाँ से आए थे तो उनसे इन्होंने प्रार्थना किया, कहा कि अब हमारा आप संविधान बनवा दीजिए, पाप और पुण्य का कर्म का आप बना लीजिए। तो आपके समझो कर्मों का विधान उन्होंने बनाया और बनाया उसको ब्रह्मा जी को, दर्शन ब्रह्मा जी उनका भी करता है और न बन पाएंगे, ऐसा दर्शन बना रखा। लेकिन आवाज उनकी उनको सुनाई पड़ी, आवाज उनको जब उनको उनको आवाज जब सुनाई पड़ी तो समझो कि छुट्टिया याद करते हैं, आज भी जो वहाँ पहुँच जाते हैं उनको कंफर्ट हो जाता है, याद हो जाता है, पंचायत पत्ती यहाँ उनसे तो समझो याद को बताया वो भी उनको याद हो जाता है। जब उनको फिर हुक्म हुआ, फिर को ब्रह्मा जी को फिर का हुक्म हुआ, पिता का कहा आप इस समय पर शत्रु में जो ऋषि मुनि हैं, जो योगी हैं, उनको तुम सुना दो और वो जनता को बताए कि ये पाप है, ये हाथ या पैर किया, आंख कान लिया, ऐसा कर्म करोगे तो पाप लगेगा, और इस तरह का काम करोगे उसे को रोटी खिलाओगे, चाचे को पानी खिलाओगे, कोई दुखी है उस शत्रु को कोल दूर कर दोगे, नंगा है उसको आप आपके पास आए वस्त्र भी दोगे, तो ये पूरी कर्म है। किसी को मारा, किसी को काटा, किसी का छीना, आपने समझो प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया, उसके बनाए हुए नियमों को सताया, मारा काटा, पाप लगेगा। मनुष्य मंदिर को ढहा दिया, जिसमें अन्य समझो भगवान देखता है, जो मनुष्य देखो मार्गन पर आकर के उनसे आज पद में अस्तवाए लक्ष्यौरात्रि बन पगपे पगपे अच्छो आए आपकी पाठा ना पड़ा फिर चौरासी डाल पग भी जोड़ कर गया। ऐसे मानो हड्डी हत्या करोगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। और देखो नर हमने बना दिया, अब उस नर को भी जाना पड़ेगा, माँ खानी पड़ेगी, माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह से नहीं समझोगे, चट्टान करोगे, उन नरकों में काटे जाओगे, कड़े कड़े जाओगे, जिनमें से जल्दी उबरना नहीं होता,
अस्पताल पर दस बड़े बड़े 42 अस्पताल पर 2 छोटे बड़े मिला करके एक रोगी नहीं रहना पड़ता। सतयुग से कल बाबा कलयुग जब ये चारों पिछले जाते हैं तब चौकड़ी होती है। वास्तव बात जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनमंत्र होता है। छोटा मनमंत्र जब ये जाता है तब एक कल एक एक कल एक एक नर्क में कर्म के अनुसार रहना पड़ता है। अब आप सोचो उसके बाद में भी छुटकारा नहीं मिलता। क्रिया मकोड़ा धाम दो योगी में जाना पड़ता। आसमान में उड़ने वाले बहुत तरह के पक्षी होते हैं। एक पक्षी में जो निकाली गई जीवात्मा दूसरे पक्षी में डाल दी गई। पेड़ पौधे देखो बहुत तरह के होते हैं। एक पेड़ पीड़ा दूसरे में डाल करके खड़ा कर दिया फिर अंकुरित कर दिया फिर बड़े 50 साल खड़े हैं। इसी तरह से जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े जमीन के नीचे वाले कीड़े मकोड़े ये जमीन पर चलने वाले पशु बहुत तरह के हैं। और मेरी बंद कर दी जाती है जीवन गाय बैल की योग के बाद फिर मनुष्य भी मिलता है। इसीलिए कहा गया भाई आप शरीर से उसमें पाओ। तो ये जो मोटी मोटी बात आपको बताया उन्होंने जो उस समय बताया था उसी का लोगों ने पुराण बना दिया उसी का ग्रंथ बना दिया। जो पहले के लिखे हुए पुराण यानी वो जो भोज पत्र के हैं अब तो मिलते नहीं हैं। इस समय पर जो प्रिंटिंग होती है छपाई होती है उसमें मनमाना शब्द लिख देते हैं तो जल्दी वो समझ नहीं पा। और तो वरुण पुराण है और ये जो पुराण है तो कर्म कांड इसमें है। कर्म कांड वाला जो वेद है उसको तो कोई पक्ष समझता नहीं है। कर्म कांड जिन किताबों में धातु किताबों में है उसको तो पढ़ने का मौका भी लगता है। पढ़ते भी हैं जो समझ नहीं पाते हैं समझाने वाले नहीं मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं। जितनी योग्यता वाले ने इन किताबों को लिखा था तो कोई समझाने में लगता है तो उसी तरह से समझाता है कि जैसे सब पढ़ा हुआ लड़का आप समझो कि सब के पढ़ाई को पढ़ाने लगता है बच्चे को पढ़ने लगता है उसी तरह से होता है कि जैसे 12 दर्जा के लड़के को 11 दर्जा के लड़के को 10 दर्जा पढ़ा हुआ पढ़ाने लगता है। सुनी हुई बात रखी हुई बात को बताने लगता है लेकिन प्रैक्टिकल करने को तो कर नहीं सकता है। कैसे पढ़ लेता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। आप ये समझो प्रेमियों नहीं कुछ होता है तो प्रैक्टिकल हो जाती है। एक वो पढ़ा लिखा जो डॉक्टर होता है पढ़ा जो डॉक्टर होता है 50 साल उसके पास नहीं समझो कि असिस्टेंट बन करके रहा। आपने समझो कि सेवा क्या सबसे दिया था लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर सकता पकड़ा गया मुंबई बहुत पहले की बात है। इस पहले गलत है और मर गया क्या डॉक्टर और वो उसी जगह डॉक्टर सस्ता मिल रहा कुछ दिन के बाद वो रखना लगा गया। लेकिन जो पढ़ा लिखा था अन्य सब जो वो कैमरे जानवर देखा और कलर बाकी है या तो अन्य सब जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं लग रहा है तो उसने रिपोर्ट किया इंक्वायरी हुई पकड़ अच्छे हो तो ये जो किताबें हैं इनमें सब लिखा होगा तो पाप और पुण्य बना दिया। अब पाप और पुण्य से घेरे में आ गए तो सतयुग में तो पाप बहुत हल्का होता था पेट खत्म नहीं हुआ था। पेट किसी का भी नहीं खत्म होता धर्म का नहीं खत्म होता कर्म का नहीं धर्म का नहीं खत्म होता अधर्म का नहीं खत्म होता। पाप पड़ा रहता है पापी लोग हो जाते हैं कोई ना कोई शक्ति आती है जैसे नहीं किसी न किसी को भेजा जाता है किसको भेजता है काल अपने ही हनी समझो अंश में से किसी को अपने आप से भेज देता है। अब वो क्यों भेजता है उसको क्या करता है अगर बात का है उसको कि हमारा राज ही न चला जाए ये सत्य सब नर्क में ही न चले जाए वहीं पर नर्क में ही न पड़े रह जाए तो ये नर्क की व्यवस्था यानी जन्मने मरने की ये खत्म न हो जाए। फिर